देखो कनाडा के अंदर पार्ट टाइम जॉब जो पहली पहली ढूंढनी होती है ना उसको पहली क्या उसके बाद दूसरी तीसरी जब भी आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी पड़ती है उसकी डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रगल होती है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और याद करेंगे कुछ उन चीज़ों को जो स्टार्टिंग में 2019 में जब मैं आया था तो जब मेरे को जो प्रॉब्लम आई थी जब मैंने अपनी फर्स्ट पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी थी उसके बारे में बात करेंगे। इन जनरल जो मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम आई उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूँ कि पहली जॉब के अंदर नखरा बिल्कुल नहीं करते होते क्योंकि पहली जॉब मिलनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो जो मिले ले लेना चाहिए, जो पार्ट टाइम जॉब मिले पहले नंबर पे उसको ले लेना चाहिए आप लोग। सबसे पहली सबसे बड़ी मुसीबत दिमाग के अंदर आती है रिज्यूमे, मतलब रिज्यूमे चलो बना लिया, रिज्यूमे के अंदर आपने जो भी अपना सारा सिस्टम वगैरह लिख लिया, एड्रेस लिख लिया, सब कुछ लिख लिया आपका जैसा, क्योंकि मैंने रिज्यूमे के ऊपर एक पहले से वीडियो बना चुका हूँ, नहीं देखिए तो जाकर उसको देख लो सबसे पहले। एंड अब कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, ऑनलाइन जाके रिज्यूमे दें इंडीड के ऊपर या खुद जाके पेपर रिज्यूमे दें, किसी के लिए हिस्ट्री के अंदर ऑनलाइन रिज्यूमे वर्क किए, किसी के लिए हिस्ट्री के अंदर पेपर रिज्यूमे वर्क किए, बट मेरे लिए पर्टिकुलरली ऑनलाइन रिज्यूमे हर बार वर्क किए। सबसे पहले बता दूँ बहुत सारी कंपनीज होती हैं जैसे कि वॉलमार्ट, उनकी जो वेबसाइट है उस पर जाके आप अपने करियर्स की आईडी बना सकते हो, careers.walmart.com। वहाँ पे जाके डिफरेंट लोकेशंस पे आप एक ही जगह से एक ही पोर्टल से अप्लाई कर सकते हो, 99% चांस है वहाँ से आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप एक अच्छी खासी बड़ी अवेलेबिलिटी दोगे। एंड उसके बाद बात करते हैं दोस्तों पेपर रिज्यूमे की। जगह जगह जाके पेपर रिज्यूमे आप लोगों ने फेंकने ज़रूर होते हैं, बट एक चीज़ याद रखना जब भी किसी स्मॉल स्टोर वगैरह के अंदर आप पेपर रिज्यूमे देने जाओगे तो वो ऑनर को हैंड ओवर करना है, चाहे वो वहाँ का मैनेजर हो, ये अगर पूछोगे ना आर यू द मैनेजर, बोलेंगे हाँ जी हम मैनेजर है जी, ठीक है उनको रिज्यूमे दोगे। सम टाइम देखो यार सबकी अपनी मुसीबतें चल रही होती हैं, सबके अपने झोल झाल चल रहे होते हैं, किसी को घंटे नहीं मिल रहे होते, इसलिए स्टोर पे बहुत तरह की चीज़ें एक ऑनर एम्प्लॉय के बीच में सम टाइम चल रही होती है। मैंने ऐसे नहीं किया बट लोग ऐसे करते हैं मुझे पता है, एंड वो फिर आपका रिज्यूमे ऐसे फाड़ के फेंक देंगे, ऑनर तक पहुँचेगा भी नहीं, उसको पता भी नहीं लगेगा किसी ने अप्लाई किया था कि नहीं किया था। इसलिए हमेशा छोटा स्टोर हो तो ऑनर को रिज्यूमे पकड़ा के आना चाहिए, और अगर बड़ी चीज़ें जैसे टिम हॉर्टन्स वगैरह ये हो तो ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश करो, ऑनलाइन हो जाए दी बेस्ट है, नहीं हो तो अलग बात है। उसके बाद दोस्तों बात आती है रेफरेंस की। अगर आपको थोड़ा बहुत भी जानता है ना कनाडा के अंदर, उससे रेफरेंस लेने से बिल्कुल नहीं कतराना, क्योंकि पता क्या होता है रेफरेंस के बेस पे ऐसे झटके से जॉब मिलती है। अब आप बोलोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके भाई वगैरह बहनें वगैरह यहाँ पे रहती हैं, जब वो लोग यहाँ पे आते हैं उनको जॉब राइट पे कैसे मिल जाती है, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस होती है जहाँ से वो फटाफट अपने भाई या अपने बहन को, खुद की रेफरेंस भी उस टाइम नहीं चल रही होती, खुद ऐसी कंपनी में जो पार्ट टाइम नहीं हायर कर रहे होते तो किसी और से कोई उनका खास दोस्त होता है, कुछ ना कोई खास लोग होते हैं जिनके थ्रू वो उनको फटाफट लगवा देते हैं। तो रेफरेंस सिस्टम बहुत कामयाब है, रेफरेंस सिस्टम को कभी मिस नहीं करना। मान लो आपको पेपर जॉब के थ्रू, मतलब पेपर रिज्यूमे के थ्रू आपको जॉब नहीं मिली हुई, तो एक बात याद रखना कि इंडीड इज द बेस्ट फ्रेंड, इंडीड आपका बेस्ट फ्रेंड है, इंडीड के थ्रू आप जॉब ले सकते हो। indeed.ca पे जाना, आईडी बनाना, वहाँ पे ना एक इंडीड खुद रिज्यूमे बनाने की ऑप्शन देता है जो आपका ऑनलाइन रिज्यूमे टाइप होता है, जो इंडीड वेबसाइट पे उसके आप थोड़े क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, डिटेल्स भर सकते हो, वहीं पे वहाँ से आ जाता है वो रिज्यूमे, दी बेस्ट है क्योंकि उसमें आपको जब कोई भी आपका एम्प्लॉयर आपको इंडीड पे अप्रोच करता है तो इंडीड के प्लेटफॉर्म के हिसाब से उसके लेआउट के हिसाब से ही उसकी सारी ऑप्शन आ जाती है, कॉल की ऑप्शन आ जाती है, हर चीज़ की ऑप्शन आ जाती है। तो indeed.ca पे जाके वहाँ के हिसाब से अपना रिज्यूमे बना लो। ऑफकोर्स दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाई इंडीड एंड बिकॉज इट्स अ बिग वेबसाइट, सारे इसको यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ करते हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं है किसी यूट्यूबर को पैसे देकर उसे प्रमोट करवाने की, आई गेस। एनीवेज ये तो अलग टॉपिक हो गया, बट हाँ इंडीड इज़ दी बेस्ट अगर आपने जाके ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब अप्लाई करनी है। तो अगेन अवेलेबिलिटी को माइंड में रखना, अवेलेबिलिटी इज़ द की, अवेलेबिलिटी जितनी बड़ी होगी जॉब मिलने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। जॉब स्टार्टिंग में टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, उसके बाद अगर मान लो इंडीड पे भी आपको जॉब नहीं मिल रही, इतना बुरा हाल हो रखा है, जॉब है ही नहीं वैसे, इसके चांस बहुत कम है, तो याद रखना कि बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो कि पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं, वहाँ पे आपको जनरल लेबर का काम मिलेगा बट काम आपको राइट में मिल जाएगा। ऑन कॉल टाइप की जॉब होती है, कॉल करके आपको बताएंगे कि यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, तो जाके अपनी शिफ्ट लगाओ, ऑफकोर्स बाद में आपको चेक के थ्रू पेमेंट मिल जाती है। तो जी ये थी आज की वीडियो, बहुत ही क्विक शॉर्ट सिंपल वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट।